सीजन 13 में आज है वीकेंड का वार और वीकेंड का वार पर सलमान खान घर वालों के लिए कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग टास्क लेकर आते हैं, जिनमें से एक है थप्पड़ टास्क। थप्पड़ टास्क इस बार भी करवाया गया, वो हुआ शेफाली जरीवाला, पारस छाबड़ा और हिंदुस्तानी भाव के साथ। सलमान खान ने शेफाली जरीवाला से सवाल किया कि क्या राक्षस वाले टास्क में आसिम ने 100% दिया। किसी ने भी इस पर अपनी स्वीकृति नहीं जताई और उन्हें पड़ा एक थप्पड़। इसके बाद उनसे अगला सवाल किया गया कि क्या देवोलीना सेकंड स्टेज में आना डिजर्व करती है, तो उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, और घर वालों ने इसमें भी सहमति नहीं जताई और उन्हें फिर से एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। इसके बाद थप्पड़ वाली चेयर पर बारी आती है हिंदुस्तानी भाव की। हिंदुस्तानी भाव से सलमान खान सवाल करते हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर मगरमच्छ के आंसू किसके हैं? तो हिंदुस्तानी भाव बताते हैं कि माहिरा के। किसी की भी इस पर सहमति नहीं होती है, उन्हें पड़ता एक जोरदार थप्पड़। इसके बाद उनसे अगला सवाल किया जाता है कि यहाँ पर वो इंसान कौन है जिसकी पूंछ को 14 साल पाइप में रखने के बाद भी वो सीधी नहीं होती है, तो वो आरती का नाम लेते हैं। इस बात पर सभी को अचंभा तो होता है, लेकिन कोई भी इस पर अपनी सहमति नहीं जताता है और उन्हें एक थप्पड़ पड़ता है। और इसी तरह से पारस छाबड़ा से भी कुछ इंटरेस्टिंग सवाल किए जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि यहाँ पर आपने इस हफ्ते अपना कितना योगदान दिया, तो उन्होंने कहा फिजिकली तो नहीं बट मेंटली मैंने जरूर इसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाया है। उनके इस आंसर पे किसी की भी सहमति नहीं होती है और उन्हें पड़ता है एक थप्पड़। इसके बाद उनसे ये सवाल किया जाता है कि आपके हिसाब से यहाँ पर विशाल जो आए हैं नए सदस्य है, क्या वो अपने दम पर खेल सकते हैं? तो पारस ने कहा कि मेरे हिसाब से यहाँ पर इस घर में ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने दम पर इस घर में अकेला खेल सकता हो, और किसी की सहमति नहीं होती है और उन्हें फिर पड़ता है एक जोरदार थप्पड़। इस टास्क के दौरान थोड़ी टेंशन, थोड़ी हंसी मजाक और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये टास्क काफी एंटरटेनिंग रहा। और आपको बता दे कि इसी तरह से बिग बॉस सीजन 13 की और भी कई टेढ़ी मसालेदार और चटपटी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।